बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी नाजरीन, नरान कागान इनसाइट की तरफ से खुश आमदेद। आज 19 फरवरी है और आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ कागान में। तो ये कागान बाज़ार की आपको लेटेस्ट अपडेट दे रहा हूँ। तकरीबन 3 फीट से ज़्यादा हो चुकी है बर्फ़ और बड़ी तेज़ रफ्तार के साथ लगी हुई है बर्फ। तो ये मनाजर है, आप देख सकते हैं मेन बाज़ार के। और ये आपको हम देर अपडेट्स दे रहे हैं कागान बाज़ार से। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं बड़ी तेज़ रफ्तार के साथ लगी हुई है। और अगर ये पूरी रात इसी तरह रही स्नोफॉल तो कल तक 5-6 फुट तक हो सकती है बर्फ़बारी। तो नाज़रीन हमने नारान बाज़ार में अपनी गाड़ी है हमारे पास, उसको चैन लगाए हुए हैं। चैन के बग़ैर गाड़ी ड्राइव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो 4x4 गाड़ी होनी चाहिए आपके पास और चैन उसके साथ आपके लिए सेफ्टी लाजमी है। तो ये कागान बाज़ार है, कागान बाज़ार का व्यू है, हम आपको दिखा रहे हैं कागान से लाइव अपडेट्स। तो नाज़रीन ये देखें कितना ज़बरदस्त, कितना प्यारा व्यू बना हुआ है कागान में। तो सर्दी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, टेम्परेचर -15 होगा लाजमी। तो ये कागान बाज़ार के मनाज़र हैं नाज़रीन, आप देख सकते हैं। और हम कागान बाज़ार से वापसी की तरफ, बालाकोट की तरफ हम आ रहे हैं। तो ये बाज़ार हम निकलने वाले हैं, ख़त्म होने वाला बाज़ार। तो यहाँ पर तमाम होटल जो है वो ओपन है, रेस्टोरेंट्स ओपन हैं, शॉप्स वगैरह सारी की सारी ओपन है। और अगर आप आना चाहें तो आ सकते हैं। उसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर आपको कागान से आगे नारान जाने की इजाज़त नहीं है। आगे फिर इंतज़ामिया की तरफ से आगे चौकी से आपको आगे कागान से थोड़ा बाज़ार से आगे चेक पोस्ट है, वहाँ से आगे आपको जाने की इजाज़त नहीं है नारान की तरफ, क्योंकि आगे फिर स्नोफॉल ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है। तो फिर आगे ग्लेशियर वगैरह आने के ज़्यादा ख़तरात होते हैं। तो इसलिए फिर इंतज़ामिया यहाँ तक आपको आने की इजाज़त देती है। तो अगर आप आना चाहते हैं तो अपने पास 4x4 गाड़ी लाजमी रखें और साथ चैन वगैरह लाजमी रखें। बस जगह ऐसी है यहाँ जहाँ पर चैन का इस्तेमाल लाजमी होता है और वहाँ से आगे फिर चैन इस्तेमाल कर लेने चाहिए, सेफ्टी आपकी लाजमी होनी चाहिए साथ साथ। आप कपड़े वगैरह जो है ना गर्म रखने चाहिए और साथ ड्राई फ्रूट वगैरह आपके पास होना चाहिए खाने पीने का। तो ये देख सकते हैं नाज़रीन हालात कागान के, बड़ी तेज़ रफ्तार के साथ स्नोफॉल स्टार्ट है साथ। तो साथ में आपको अपडेट्स देता चलूँ शुग्रान की। शुग्रान ओपन है, 4x4 गाड़ियाँ वहाँ पे जाती हैं। शुग्रान पे भी यही हाल है, 3-4 फुट बर्फ़बारी वहाँ पर पड़ी है। और अगर आपके पास 2-व्हील गाड़ी है क्वाई तक आप आ सकते हैं, क्वाई से ऊपर फिर आप लोकल जीप जो है यहाँ की जो पहाड़ों की शहजादी है आप उसको साथ ले कर जाएँ। और उनके पास पूरा इंतज़ाम होता है, चेन्स वगैरह होते हैं, वो आपको सेफ तरीके से ले कर जाते हैं और सेफ तरीके से वापस ले कर आते हैं। अगर आप शुग्रान में रात गुजारना चाहें तो वहाँ पर भी होटल तमाम ओपन हैं और उसके साथ शॉप्स रेस्टोरेंट्स खाने पीने की सब अशिया आपको मिल सकती है नाज़रीन। तो ये हालात वाकियात हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ।
कगान से, तो कगान के ये हालात हैं नाजरीन अभी के। बर्फबारी स्टार्ट है बड़ी ज़बरदस्त, और जी नाजरीन ये आप देख सकते हैं स्नोफॉल काफ़ी तेज स्टार्ट है और बड़ा ही मज़ा आ रहा है इसमें, और काफ़ी पहाड़ सारे सफेद चादर ओढ़ दी है पहाड़ों ने भी, और दरख्त इसी तरह की सफेदी पे हैं, और बहुत तेज़ रफ्तार के साथ बर्फबारी जारी है नाजरीन। आपके सामने है हालात, आप देख सकते हैं। और इससे पहले आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, और साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि कगान वैली की इसी तरह की वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। देखिए नाजरीन अभी हम कनिया पहुंचे हैं, और जो जो आगे जाते जाएंगे बर्फ़ इतनी ज़्यादा तेज़ होती जाएगी। अभी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ है बर्फबारी, तकरीबन 2 फुट के लगभग, तो यहाँ पर भी ये सड़कों पे आप देख सकते हैं मौजूद है, आपके सामने है। ये हालात हैं नाजरीन यहाँ के। इसी के साथ मैं अपने नाजरीन से इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।